सो गाइस आज है फ्री फायर का होली पिक डे। तो गाइस इसी में रिवार्ड अपन को मिल रहा है रेड कस्टम कार, वो भी पूरे एक घंटे के लिए फ्री। मतलब एक घंटे के लिए जितने भी कस्टम खेलो मतलब कुछ भी नहीं होगा आपको, खत्म ही नहीं होगा कस्टम रेड वाले। सो गाइस यार आज के वीडियो में बताऊंगा उसको यूज कैसे करना है, वरना किस टाइप से रेड कस्टम कार्ड बना सकते हो। वो भी इतना अच्छा मजा आएगा ना भाई आपको कि आप देखो मतलब उसको मतलब खरीदने के लिए भी तैयार हो जाओगे। जब भी स्टोर में आएगा ना रेड कस्टम कार्ड तब आप सोच लोगे भाई कि इसको खरीदना ही है, क्योंकि ना इसका देखो इसमें खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है भाई। मैं आपको दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में आप कैसे इसे यूज कर सकते हो ना, किस टाइप से अपना गेम प्ले मतलब इसमें कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और अपने फ्री फायर में जितने भी कस्टम कार्ड्स आए ना, मतलब येलो कस्टम हो गया, मतलब क्राफ्ट एंड वार हो गया, इन सब में सबसे बेस्ट है ना तो रेड कस्टम कार्ड ही है। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, अभी से बोल रहा हूँ, वीडियो को मिस जरा भी नहीं करना। गाइस जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है कर देना, और गाइस जो भी अपने गेमिंग चैनल पे पहली बार आए हो आज ऐसे सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मेरा ये वीडियो बनाने का मन नहीं था लेकिन ना कस्टम कार्ड मिला है तो भाई आप ऐसे वेस्ट ना कर दो, इसलिए बनाना पड़ा मेरे को, ठीक है। सो गाइस फर्स्ट में बात करेंगे अपन को क्लेम कैसे करना है। फाइनली आज अपन को मिला है एक घंटे के लिए, ठीक है। किसे मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा, क्या माइलस्टोन कंप्लीट करना पड़ता है मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस देखो, जैसे ही आप इवेंट सेक्शन में जाओगे तो 10 मिनट गेम खेलने पर आपको पेड फूड मिलेगा, ठीक है, और ना आधा घंटा गेम खेलने पर दो वाउचर मिलेंगे, वो भी वो गन्स के, ठीक है, और ना 60 मिनट खेलने पर आपको मिलेगी बिल्कुल ही फ्री स्किन है, वो भी M500 की, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ होने वाला है देख सकते हो बैक में, और ना 80 मिनट मतलब एक घंटा और 20 मिनट खेलोगे आप तो आपको रेड कस्टम कार्ड मिलेंगे, वो भी एक घंटे के लिए पूरे फ्री। तो गाइस देखो मैंने कंप्लीट कर लिया मिशन, अब मैं क्लेम कर लेता हूँ और आपको बना के भी बता देता हूँ। तो गाइस मैं बोल रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इन कस्टम कार्ड में, तो भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो कर देना। तो गाइस मेरे को मिल चुका है रेड कस्टम कार्ड, तो गाइस अभी तक आपको नहीं मिला है ना तो आप देखो ये माइलस्टोन कंप्लीट कर लेना और उसके बाद आके क्लेम कर लेना, बस इतना सा काम करने का रहेगा बस, ठीक है। तो गाइस अब फाइनली बात करेंगे इसको बनाना कैसे है, मैं आपको बता दूं। तो गाइस देखो फाइनली आपको आना है इस वाले सेक्शन के अंदर, उसके बाद कस्टम पे क्लिक करना और ना ये क्रिएट का जो ऑप्शन रहेगा देख सकते हो, क्रिएट पे क्लिक करना है सिंपली, और देखो आपको क्लैश स्क्वाड मोड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ राउंड वगैरह सभी कुछ कर सकते हो, और ना फाइनली देख सकते हो आपने सभी कुछ सेट कर लिया, राउंड वगैरह सभी कुछ मतलब कॉइन्स वगैरह सभी कुछ सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ना आपको देखो एडवांस सेटिंग दिखेगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना ना वापस से दिखेगा ये एडवांस सेटिंग, ठीक है, इस टाइप इस पे क्रिएट मतलब इस पे टैप करना है, ठीक है। और ना आपको जेसी गन लेनी है, उसका देखो प्राइस वगैरह सभी कुछ कम करके यहाँ पर रख सकते हो उसको। तो गाइस जितना प्राइस कम कर सकते हो उतने कर सकते हो, और ना जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो गाइस यहीं पर अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, ऐसा तो भाई क्राफ्टलैंड में भी आसानी से हो जाता था, ठीक है। तो आपको देखो क्या करना है, इसमें एक और एडवांस सेटिंग है अपने पास, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप सबसे पहले आपको प्राइस वगैरह सबकी कम कर लेनी है, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे भी गन लेना चाहते हो सब कुछ मिल जाएगी इसमें, फ्री फायर के अंदर जितने भी गन है ना सब कुछ आसानी से आपको मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो आपको इकोनॉमी के अंदर आना है फिर वापस, ठीक है, फिर आप यहाँ से भी कुछ सेटिंग कर सकते हो। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कितने कॉइन चाहिए मतलब विनिंग बार, ठीक है, ऐसा कुछ बोलना चाहता हूँ। आप डिफीट भी हुए तो ही आपको कितने कॉइन मिलने चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ बोलना चाहता हूँ। 15 राउंड तक मैक्स खेल सकते हो, और उसके बाद क्रिएट करके कन्फर्म कर लेना है बस इतना सब, फिर अपना कस्टम बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इसमें और अपने मेन कस्टम के अंदर फर्क क्या है। देखो रेड कस्टम के अंदर जैसी गन अपन को चाहिए वो अपन वो ला सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे अपने पास लॉन्चर का गेम खेलना है तो लॉन्चर भी इनेबल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, ऐसा कुछ बोलना चाहता हूं। आपके मन में डाउट होगा कि ये तो क्राफ्टलैंड में भी मिल जाता है अपन को ये एडवांटेज, लेकिन उसमें बर्मुडा मैप नहीं होता, अपने मन का मैप नहीं होता है जिसमें अपन खेलना चाहते हैं वो मैप नहीं मिलता है, तो ऐसा कुछ फर्क है इसमें, ठीक है। तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा है भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी भाई लोग चैनल पर पहली बार आए हो आज याद से सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन याद से ऑल पे सिलेक्ट कर देना इसी टिप्स के लिए, ठीक है। और गाइस लिटरली बताऊं ना तो मैंने 20 या 25 मिनट में आपके लिए वीडियो तैयार किया है कि आप कोई मिस्टेक ना कर दो और अपना कस्टम कार्ड आसानी से यूज कर लो। कैसे कर सकते हो आप देखो, वेस्ट कर दो, एक घंटा ही तो मिला है भाई, एक घंटे में गायब हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है भाई, इसको वेस्ट में मत जाने देना और फुल यूज करना इसका। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, और लव यू ऑल ऑफ यू। और कोई डाउट रह गया तो इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।